नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अभिषेक सिंह। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर भारत रत्न या विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिन है और हम सभी भारतीय मूल निवासी उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में और उनकी प्रतिष्ठा और उनके व्यक्तित्व को सलाम करता है। और इसी क्रम में कुछ थोड़ी बहुत मैं बात करना चाहूँगा उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। बाकी सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से अपने संघर्षमय जीवन में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और किस संघर्ष से उन्होंने अपना पूरा जीवन एक शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित जिसे कहा जाता है, एक ऐसा वर्ग, ऐसा समाज जो समाज में तो रहता है लेकिन उस समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, मतलब यानी नल से पानी लेने का अधिकार नहीं था, कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। और ऐसे समाज में हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष किया। और एक ऐसी पर्सनालिटी के, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज पूरा विश्व उनको सलाम करता है और मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से आज जो शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, मजदूर, श्रमिक, महिलाएं जिनका कोई हक नहीं था समाज में, अधिकार नहीं था इनको, ये अपने अधिकार के प्रति लड़ नहीं सकते थे, इन्हें पैसे रखने का अधिकार नहीं था, जमीन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों का अधिकार नहीं था। और इन सभी अधिकारों को दिलाने का काम हमारे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किया। तो ऐसे शख्स और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को सत सत नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब हमें मौका मिला है कि हमारे महान व्यक्ति विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे देश में एक ऐसी विकट परिस्थिति है जिसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, जो कि सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस, और जिसकी चपेट में विश्व के विश्व के सभी देश जो है ग्रसित हैं। और भारत में भी, हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, जो कि आज ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मई तक दोबारा से घोषित कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए पूरी तरीके से एकत्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने घरों में रह करके उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को और जो वो चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो किस तरीके से आगे बढ़े,
और समाज के लिए जो हमारे युवा वर्ग है वो क्या कर सकते हैं, तो उनके विचारों को हम अपने युवाओं के माध्यम से और अपने कर्तव्यों से आगे बढ़ाएं। और हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता एवं पहले कानून मंत्री थे हमारे देश के, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन एक शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के लिए लगाया। तो हम सबकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं कि उनके सपनों को हम साकार करें और अपने साथ साथ अपने समाज और अपने देश को समृद्ध और उन्नत के लिए आगे बढ़ाएं। और अगर हम जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, तो सभी लोग जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व और उनकी शिक्षा, एजुकेशन, तो एक ऐसे पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की, शायद विश्व में अभी तक न तो कोई हुआ और शायद ना ही ऐसा कोई व्यक्ति आगे होगा। तो एक बार सभी साथियों को जय भीम, सभी लोग जय भीम के साथ तेज नारा लगाएं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान है, जैसा कि हमारे पास एक ये बुक्स है, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, और इस संविधान से हमारा देश चलता है। और हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग हैं, विविध धर्म के लोग हैं, और उन विविधताओं से भरे इस देश के अंदर और इस विविधताओं से भरे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, अनेकों समुदाय हैं हमारे देश के अंदर, और उन सब के लिए, उन सब का ध्यान रखते हुए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे संविधान, एक ऐसे कानून का निर्माण किया, और जिसके सहारे आज हमारा पूरा देश और हमारा जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं सुचारू रूप से, और सर्वोपरि हमारा भारतीय संविधान, और जिसके मार्गदर्शन से पूरा देश और पूरे देश की व्यवस्था और कानून व्यवस्था चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे एक पिछड़ा, एक दलित, एक शोषित व्यक्ति कह सकते हैं? नहीं, आज भी हमारे देश में समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको केवल और केवल एक दलित ही समझते हैं, जबकि उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व देखा जाए तो शायद विश्व में आज तक ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही आगे कोई ऐसा व्यक्ति होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग ऐसी जो आज हमारे देश की स्थिति है, ऐसी स्थिति में ज़्यादा बाहर ना आए, अपने घर के अंदर या घरों में या उनकी
जो प्रतिमा है उस पर माल जा माला माल माला डालकर या पुष्प अर्पित कर कर के उनके जीवन जन्मदिन को मनाएं। और उनके जो विचार थे उनके विचारों को आगे आगे जो है बढ़ाएं और सभी जो है फॉलो करें। और सबसे अहम बात यही है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो ही हमारे देश की क्रांति को या हमारे देश को बदल सकता है। और बदल तभी सकता है व्यक्ति जब हम एजुकेट होंगे, शिक्षा पर हम विशेष जोर देंगे, विशेष ध्यान देंगे। और हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो शिक्षा के ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जितने हम एजुकेटेड होंगे उतने ही हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तभी हम किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड रहें, किताबों को पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ों को स्किल को डेवलप करें। और जब हम स्किल को डेवलप करेंगे तभी हम अपने जो अपनी जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है उसको हम सुधार सकते हैं। और जब तक हम पढ़ लिख नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ेगी, तो हमारा देश और हमारा समाज पीछे की ओर जा रहा है और चलता चला जाएगा। लेकिन इसको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, हमें शिक्षित होना है, अपने समाज को और अपने देश को आगे लेकर के जाना है। तो जय हिंद साथियों, जय भीम, जय नमो बुद्धाय।